लेक्चर नंबर 5 एसएससी पार्ट 1 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 टुडे आवर टॉपिक इज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। आज हमने स्टडी करना है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के लेवल के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने टिश्यूज को डिटेल में डिस्कस किया था, टिश्यू लेवल को। सो कि आपको वो लेक्चर क्लियर हो गया होगा। टिश्यूज में हमने बेसिकली देखा था एनिमल्स टिश्यू को और प्लांट्स टिश्यू को। एनिमल्स टिश्यू में हमने मस्कुलर टिश्यूज, ग्लैंडुलर टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में देखा। देन प्लांट्स में भी हमने पैरेन्काइमा, सेक्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड मेरिस्टमैटिक टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यूज वगैरह के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज हम देखेंगे ऑर्गन लेवल के बारे में, ऑर्गन के बारे में कि ऑर्गन क्या होते हैं। तो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के जो टिश्यूज होते हैं एनिमल बॉडी में भी और प्लांट बॉडी में भी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज कंबाइन करते हैं, डिफरेंट, ये हम डेफिनेशन देखने लगे हैं ऑर्गन की कि ऑर्गन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर कंबाइंड टू फॉर्म अ एन ऑर्गन, ठीक है। एक ऑर्गन जो है वो किस तरह से बनता है, जब डिफरेंट टिश्यूज की जो टाइप्स हैं वो आपस में कंबाइन करती हैं तो वो ऑर्गन बना देती हैं। और ऑर्गन क्या करता है, एक स्पेसिफिक काम कर रहा होता है लिविंग बॉडी के अंदर। जिस तरह हमने टिश्यूज में डिस्कस किया था प्लांट्स में ऑर्गन टिश्यूज को अलग से और एनिमल्स में टिश्यूज को अलग से हमने देखा था, इसी तरह हम ऑर्गन की जब बात करते हैं कि ऑर्गन क्या है, जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज आपस में कंबाइन करेंगे, मिलेंगे, तो वो ऑर्गन बना देंगे। और ऑर्गन जो है प्लांट के अंदर अलग से होंगे, एनिमल बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है वो अलग होंगे। एनिमल्स के अंदर जो ऑर्गन है वेल डेफिनेट ऑर्गन्स मौजूद होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं। बट अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो ऑर्गन है वो लेस कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है, और डेफिनेट भी नहीं होंगे। तो हमने दोनों में डिस्कस करना है ऑर्गन को, प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी। तो पहले हम देख लेते हैं एनिमल्स के अंदर, ये डेफिनेशन थी ऑर्गन की, व्हेन डिफरेंट टिश्यूज टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर कंबाइंड दे फॉर्म एन ऑर्गन। तो क्या बना देते हैं, एक ऑर्गन बना देते हैं। और ऑर्गन की अगर हम एग्जाम्पल लें, ठीक है, एनिमल्स के अंदर सबसे पहले हम इसकी एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन मौजूद होते हैं, लाइक हार्ट, ब्रेन, स्टमक, किडनी। सो ये हमारे पास क्या है, एनिमल के ऑर्गन्स हैं। अब इन ऑर्गन का क्या फंक्शन होता है, डिफरेंट ये फंक्शंस जो है बॉडी के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं। लाइक अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, ये ब्लड सर्कुलेशन के अंदर रोल प्ले करेगा, ब्लड सर्कुलेशन, और वी कैन ऑल्सो से दैट प्ले रोल इन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन के अंदर जो है इसका काम है। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गन है ब्रेन। तो ब्रेन एस वी नो डैट की क्या है, कंट्रोल सेंटर है हमारी बॉडी का, कोऑर्डिनेशन करता है, कंट्रोल करेगा होल बॉडी को, कंप्लीट बॉडी को कंट्रोल करता है ब्रेन, दैट इज इट्स फंक्शन। इसी तरह नेक्स्ट ऑर्गन की अगर हम बात करें स्टमिक, तो हमारे पास जो फूड की डाइजेशन का प्रोसेस है, फूड डाइजेशन, वो कौन परफॉर्म करता है, स्टमिक परफॉर्म करता है। इस तरह किडनी, यूरिन फॉर्मेशन। सो हमें पता चला कि डिफरेंट जो ऑर्गन है बॉडी के अंदर वो अपना अपना अलग जो फंक्शन है प्रॉपरली उसको परफॉर्म करते हैं। लाइक एनिमल्स की हम बात की हमने, तो हमने कहा डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, और ऑर्गन बनेगा कब, जब डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन करेंगे। तो इस तरह से हमने हार्ट की बात की कि ये ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो है ब्लड की पंपिंग करवाता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सर्कुलेशन जो है होल बॉडी के अंदर उसको परफॉर्म करवाएगा। इस तरह ब्रेन जो है वो कंट्रोल सेंटर है बॉडी का, होल बॉडी के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, वो ब्रेन करवा रहा है। इस तरह किडनी यूरिन फॉर्मेशन करवाएगी, वाटर की कंसंट्रेशन को बॉडी के अंदर मेंटेन रखेगी। इस तरह जो है नेक्स्ट ऑर्गन है डैट इज स्टमिक, फूड डाइजेशन जो कि एक मेन प्रोसेस है, कौन परफॉर्म करवाएगा, स्टमिक। तो इन ऑर्गन्स की जो वर्किंग है, इनमें से स्टमिक की जो वर्किंग है उसको आपकी बुक में डिटेल में डिस्कस किया गया है। ऐसा कि हमने अभी कहा कि जो ऑर्गन है
वो डिफरेंट टिश्यू से मिलके बनते हैं। तो अगर हम स्टमिक की फॉर्मेशन की यानी कि इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी डिफरेंट टिश्यू से मिलके बना होता है। इसमें कुछ एपिथीलियल टिश्यूज होते हैं, एपिथीलियल टिश्यू, और कुछ हमारे पास इसमें होते हैं स्मूथ टिश्यूज। अब ये टिश्यूज मिलके क्या बना रहे हैं, स्टमिक बना रहे हैं। इनका डिफरेंट डिफरेंट जो है फंक्शन होगा। एपिथीलियल टिश्यूज क्या करते हैं, गास्ट्रिक जूस की सेक्रेशन करते हैं। गास्ट्रिक जूस जो है वो फूड की डाइजेशन के अंदर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पेप्सिन जो एक हमारे पास इंजाइम है वो भी सेक्रेशन उसकी होती है। अब पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन की डाइजेशन में इसका अहम रोल होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। स्मूथ की, स्मूथ टिश्यूज की अगर हम बात करें तो स्मूथ टिश्यूज क्या करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ मसल्स। ठीक है, मसल्स जो है टिश्यू के उसकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्राइंडिंग और मूवमेंट करवाते हैं फूड की, स्मूथ टिश्यूज। ठीक है, इस तरह से जो एक पूरा फंक्शन है फूड डाइजेशन का वो स्टमिक के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है। डिफरेंट टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बना रहे हैं दैट इज स्टमिक, और स्टमिक का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, फूड की डाइजेशन करना। और उस फूड की जो डाइजेशन हो रही है उस स्टमिक में मौजूद डिफरेंट जो टिश्यूज हैं वो अलग अलग अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे और कंप्लीट जो एक होल प्रोसेस है वो अकर होगा, दैट इज फूड डाइजेशन। गास्ट्रिक जूस में हमने पेप्सिन की बात की, इधर से एक पॉइंट है ये कि पेप्सिन जो है मैंने कहा आपकी प्रोटीन की डाइजेशन करता है, ये ऑल टाइम एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, ये इनएक्टिव होता है, एक्टिव ऑल टाइम इसलिए नहीं होगा एज वी नो डैट कि स्टमिक की जो वॉल्स हैं वो प्रोटीन से मिलके बनी है। अगर ये ऑल टाइम एक्टिव होते हैं स्टमिक की वॉल को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो ये एक्टिव तब होता है जब प्रोटीन की डाइजेशन रिक्वायर्ड होती है। उसके अलावा नेक्स्ट अब हम देखेंगे, ये हमने देखा एनिमल्स के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन है वो किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है और ऑर्गन बने किस तरह से हैं। ठीक है, उसमें हमने डिफरेंट ऑर्गन्स को स्टडी किया इन एनिमल्स। अब हम देखते हैं ऑर्गन इन प्लांट्स के, प्लांट्स के अंदर जो ऑर्गन है वो किस तरह से मौजूद है और उनका फंक्शन क्या है। तो ऑर्गन इन प्लांट्स अब हम डिस्कस करेंगे। प्लांट्स के अंदर जो ऑर्गन है, अभी पहले भी हमने कहा कि वेल डेफिनेट नहीं होते, इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते, सिंपल होते हैं एज कंपेयर टू एनिमल्स। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर करूँ आपका कि जो हम ये ऑर्गन सिस्टम पढ़ रहे हैं बेसिकली जिसको स्टडी कर रहे हैं ये सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगा। यूनि सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ना टिश्यू लेवल होगा ना ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा। इसकी रीजन क्या है, यूनि सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है बेसिकली, यूनि सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो वन सेल होता है तो टिश्यूज तो बन ही नहीं सकते क्योंकि टिश्यूज क्या है, सिमिलर सेल जब कंबाइन करेंगे तब टिश्यू बनेगा। तो वन सेल से टिश्यू जो है वो नहीं बन सकता, इसीलिए हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर टिश्यू लेवल को स्टडी नहीं करते, टिश्यूज होते ही नहीं है। और इस तरह ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को भी हम सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही स्टडी करेंगे जिसके अंदर मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होंगे जो कि टिश्यूज बनाएंगे। और टिश्यूज से आगे जो है हम ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को स्टडी करते हैं ओनली इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो हमारे पास जो यूनि सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो वन सेल पे कंसिस्ट करते हैं। तो वन सेल इट्स मीन के नो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज अकर सो नो टिश्यू फॉर्मेशन। ठीक है, टिश्यू फॉर्म ही नहीं करेगा, जब टिश्यू फॉर्म ही नहीं करेगा टिश्यू लेवल और ऑर्गन लेवल वगैरह को हम यूनि सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नहीं देखते। तो जो हम ये कर रहे हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम वो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हमने एनिमल्स की बात की, अब नेक्स्ट प्लांट्स को देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो हमारे पास ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल है वो किस तरह से है। तो सबसे पहले प्लांट्स के इंपॉर्टेंट ऑर्गन की बात करते हैं, दैट आर स्टेम, लीफ, रूट्स, फ्लावर्स। ये कुछ ऑर्गन्स हैं प्लांट्स के। ठीक है, और ये सिंपल होते हैं, नॉट हाईली कॉम्प्लेक्स, बिकॉज जो हमारे पास एनिमल्स हैं उनके अंदर जो फंक्शन है वो ज़्यादा परफॉर्म हो रहे होते हैं तो उनके जो ऑर्गन्स हैं वो भी मोस्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब एनिमल्स की हमने बात कर ली, अब देखते हैं प्लांट्स को। प्लांट्स में ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, अब इनका फंक्शन देखते हैं। स्टेम जो है स्पोर्टिंग रोल प्ले करती है, स्पोर्ट प्रोवाइड करती है। स्पोर्टिंग रोल प्ले करते हैं, इट मीन्स इसका क्या मतलब है कि ये स्पोर्ट प्रोवाइड करेंगे प्लांट को। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गन है लीफ। लीफ हमें पता है फूड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इनका अहम रोल होता है, फूड मैन्युफैक्चरिंग
यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो लीव्स के थ्रू अकर होता है, ठीक है। क्लोरोफिल जो है वो लीव में ही प्रेजेंट होती है, डेट्स वाई ये जो है एक वाइटल ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है प्लांट बॉडी का। फूड मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस करवाएंगे, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो लीव्स में अकर होगा। नेक्स्ट ऑर्गन है हमारे पास रूट्स। रूट्स क्या करते हैं, ये इनका डिफरेंट जो है फंक्शन है, पहला तो ये है कि एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को और मिनरल्स को सॉइल में से। इसी तरह इनका सेकंड फंक्शन और इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि एंकरिंग का काम करते हैं। एंकरिंग किसे कहते हैं, प्लांट को स्टेबलाइज करते हैं, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करके एंकर कहते हैं जकड़ना, इसको जमीन में जकड़े रखते हैं प्लांट को और उसको स्टेबल रखते हैं, इरेक्ट रखते हैं। ये इनके इम्पोर्टेंट जो है रूट्स का क्या है फंक्शन है, ये एंकरिंग प्रोवाइड करेंगे और अब्जॉर्ब करेंगे वाटर को, वाटर को और मिनरल्स को फ्रॉम सॉइल। इसी तरह फ्लावर्स की बात करते हैं, फ्लावर इज दी बेसिक एंड इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ दी प्लांट। ये जो है प्लांट का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, इसको हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर वो फ्लावर्स की मदद से होता है, रिप्रोडक्शन के अंदर ही अहम रोल प्ले करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम इनको कहेंगे। तो ये हमारे पास कुछ ऑर्गन्स थे इन प्लांट्स के, प्लांट्स के अंदर जो ऑर्गन है वो किस तरह से मौजूद होते हैं, उनका फंक्शन क्या है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमने इसको क्यों कहा, क्योंकि इसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं फीमेल और मेल स्ट्रक्चर फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता है, और एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसकी वजह से ही रिप्रोडक्शन होती है फ्लावर्स के अंदर, ठीक है। क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो फ्लावर्स इसीलिए हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है कि ये रिप्रोडक्शन में जो अहम रोल प्ले कर रहे हैं। इस तरह जो स्टेम लीव्स और रूट्स के फंक्शन को भी हमने देखा कि किस तरह से ये प्लांट के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। इस तरह अब नेक्स्ट, ये था हमारे पास ऑर्गन, हमने ऑर्गन को देखा। अब जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम क्या है, अब जब डिफरेंट ऑर्गन जो है बॉडी के अंदर मिलके फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है बॉडी के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक सिस्टम स्टेबलाइज हो जाता है, सिस्टम बन जाता है, दैट इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम। तो बेसिकली आज हमने ऑर्गन्स को डिटेल में डिस्कस किया और सिस्टम लेवल को, होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फर्दर जो अपना लेवल है उसको कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ तक होप सो कि ये क्लियर है आपको। ओके।